अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड बॉल्स की रेसिपी, जिसके लिए ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है, वो तो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंड कर लिया और उसके बाद हल्का हल्का सा उसको भून लिया बगैर ऑयल के, और ये देखें कितने मज़े के ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने उसमें से 2-4 बोटियाँ उठाई और उनको डाल दिया ऑयल में फ्राई होने के लिए। और चिकन को हम करेंगे हल्का हल्का सा फ्राई, आंच जो है मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब ये गल जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको श्रेड करेंगे, यानी कि इतनी लीरां ला दें, यानी कि निके निके पीसीस कर छड़ा दें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आ गए। हमने इसमें ऐड किया है जी बंद गोभी और गाजरें जो कि कद्दूकश की हुई थी। अब इसको भी हम हल्का हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना और बहुत कम भी नहीं। हमने इसको थोड़ा जान में ही रखना है, यानी कि जानदार रहे, बिल्कुल बेजान ना हो जाए। सही, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन जो कि हमने कर लिया है श्रेड। इतना अच्छा सा श्रेड तो नहीं हुआ, लेकिन जब इसमें हम ये चमचा चलाएँगे ना तो ये खुद ब खुद ही श्रेड हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है साल्ट, और साल्ट जो है वो हस्बे ज़रूरत, और ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। उसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किया है जो कि 2 टेबलस्पून है, और 3 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूंगी इसमें सिरका, और हल्का सा इसको मिक्स करें। और एंड पे हम इसको इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च थोड़ी कच्ची कच्ची ही हो तो मज़ा करती है। और मेयोनीज़ मैंने ऐड की है हाफ कप ऐड करने के बाद आप ये देखें जी हमारी फिलिंग बन के हो चुकी है रेडी, और कितनी मज़े की लग रही है। तो मैं वैसे ही स्पून के साथ अगर मेरे पास पड़ी हो तो मैं इसको खा जाऊँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हम अब आ चुके हैं रेसिपी की तरफ, सॉरी रेसिपी नहीं यार क्या खिदनूम कोटिंग की तरफ हम आ गए हैं। हमने ब्रेड ली, ब्रेड के हमने एजेस कर दिए रिमूव। अगर आप एजेस रिमूव नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आप इसको फिर भी डिप कर देंगे पानी में तो एजेस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी लिया, पानी में उसकी हमने जो ब्रेड बना एजेस रिमूव किए हैं ब्रेड की, हमने लगवाई डुबकी और थोड़ा सा मसाला ऐड किया और उसको नरम नरम हल्के हल्के हाथों से उसके हमने बना दिए बॉल्स। जब बॉल्स बना देंगे तो फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे एग के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। ये मैंने ब्रेड के 2 पीसेस कर दिए थे ताकि छोटी छोटी बॉल्स बने। अगर मैं बड़े पीसेस लेती तो ये बड़ी बॉल्स बन जानी थी, बॉल्स नहीं बल्कि फुट बॉल्स। और ये भी मैं आपको ट्राई करवा देती हूँ कि कितने बड़े बॉल्स बन जाएंगे। फिलिंग इतनी ही लेंगे जितनी के इसमें कवर हो जाए, बाहर ना निकले। अगर थोड़ी सी बाहर निकल भी आएगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इस पर एग की कोटिंग करेंगे तो वो कवर कर लेता है, एग कवर कर लेगा जी। हम ये एग की कोटिंग कर दी, उसके बाद हमने लिए ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स की हमने कर दी कोटिंग। ठीक हो गया, ये देखें जी अब हमने इसको डाल दिया है खोलते हुए ऑयल में, यानी कि कलकते हुए ऑयल में हमने इसको डाला, और इसको तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे, और फ्लेम आपने रखना है मीडियम टू लो ताकि अंदर से भी जो है ना अगर कोई कसर रहती है तो वो पूरी हो जाए। और ये देखें जी कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन से बन के रेडी हो चुके हैं। और पहले जो मैंने फ्राई किए हैं वो थे फुट बॉल्स, अब हमने ये बॉल्स बनाई हैं, अब हम इनको करते हैं डिश आउट। और ये देखें जी वाओ, क्या कहते हैं जी, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाओ जी, मज़ा आ गया मुबशर पुत्र, मज़ा ही आ गया। अच्छा जी, अब मैं एक लूँगी बॉल और उसकी हम लगवाएंगे डुबकी, किसके अंदर, चटनी के अंदर डुबकी मैंने लगवाई है, और मैं एक बाइट लेके देखूँगी। वाओ यमी, बहुत मज़े के, बाहर से बहुत क्रंची क्रिस्पी से और अंदर से जूसी। और एक और लेंगे, आपका भी दिल कर रहा है चलें ले लें आप भी। चलें जी, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।